साथियों, सरकार बनने से पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने आपसे वादा किया था कि नौकरियां देंगे। 2019 के चुनाव से पहले भी यही वादा किया और दोनों मर्तबा नौकरियां देना तो दूर, नौकरियां छीन ली गई। एक के बाद एक हमला किया अर्थव्यवस्था पर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर, उसको बर्बाद किया। अपने कुछ साथियों को, उद्योगपति साथियों पर एहसान लादने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, उसका नतीजा यह निकला कि लोगों के हाथ से नौकरी चली गई। और नौकरी आपका हक है, कोई एहसान नहीं है आप पर, आप अपना हक मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने न्याय योजना की बात की थी चुनाव से पहले, उस न्याय योजना का समय आज है, आज आ गया है। जिस तरह की परिस्थिति है अर्थव्यवस्था की, दिस इज द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट न्याय एज सजेस्टेड बाय राहुल गांधी बिफोर द 2019 इलेक्शन। गिव एन ऑनरेरियम स्टाइपेंड ऑफ 6,000 रुपीज पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स टू द यूथ ऑफ इंडिया, टू द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ इंडिया। इज देयर राइट? आफ्टर ऑल यू फेल्ड टू गिव देम एम्प्लॉयमेंट, आफ्टर ऑल यू स्नैच एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम देम, आफ्टर ऑल इट्स योर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन दैट हैव लेड टू दिस सिचुएशन wherein a 45-year record of unemployment has been broken by. और नौजवान साथियों, अपनी नाकामयाबियां छिपाने के लिए, अपनी विफलताएं छिपाने के लिए आपका ध्यान बटाया जा रहा है। सुबह से शाम तक बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में कितने ग्राम ड्रग्स कौन ले रहा है, किसको बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, इससे आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? लेकिन नहीं, सुबह से शाम तक टीवी आपको वही दिखाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है आपका ध्यान इस तरह की अनर्गल बातों में लगा है। द गवर्नमेंट वॉन्ट्स यू टू फोकस ऑन इररेलेवेंट इश्यूज, हू इज बाइंग और सेलिंग हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ड्रग्स इन द मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, हाउ डज इट मैटर टू यू, टू योर लाइफ? आपका ध्यान भी बटाया जा रहा है, आपको भी बांटने की कोशिश की जा रही है। और जब भी कोई सरकार इस तरह के हथकंडे अपनाती है बांटने की, आपका ध्यान बटाने की, तो वो अपनी विफलताएं छिपा रही होती है। इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता है बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था। बार बार इस सरकार का ध्यान इन दो मुद्दों पर लाना आपका काम है, हमारा काम है। जितनी बुलंद आवाज में अपनी बात रखोगे, इस सरकार की नींद उतनी जल्दी खुलेगी। ये अब आपके हाथ में है। रोजगार आपका हक है, न्याय आपका हक है, आपका अधिकार है। इट्स योर राइट, नोबडी इज ऑब्लाइजिंग यू बाय गिविंग यू व्हाट्स योर राइट। नोटबंदी, जीएसटी, पीएसयूज, जो लाभ देने वाले पीएसयूज हैं उनको खुद बुर्द करना, उनको बेचना, बिना प्लानिंग किए लॉकडाउन करना, करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन लेना, ये सब गलतियां किसने की? मोदी सरकार ने। तो इसका खामियाजा भी मोदी सरकार को ही भुगतना होगा। उन्हें याद दिला दिया जाए, आप याद दिला सकते हैं, याद दिलाइए उनको। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए हमारा ध्यान बटाने की, इन मुद्दों से हमारा ध्यान आप नहीं बटा सकते, नहीं बटा सकते, नहीं बटा सकते। इस देश का भविष्य अब आपके हाथ में है। आज अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो कल आप आवाज उठाने के काबिल नहीं रहोगे। इस सरकार की ये मंशा स्पष्ट है।